हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अरे ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी के यहाँ छोटा बच्चा बोल रहा है, सबसे पहले वो अपने यहाँ पे अपनी माइक बंद कर बच्चों को मना करें। बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने टेस्ट देना सिखाया था ना, कि आप लोगों ने टेस्ट कैसे टेस्ट देना, ये सारी चीजें कराया गया था ना। तरीके से एग्जाम कराया जाए तो कितने लोग एग्जाम देने जाएंगे ये बताओ। कितने लोग उसी तरीके से टेस्ट की तरह जैसे एग्जाम हुआ था, अगर एग्जाम कराया तो कितने बच्चे कर ले जाएंगे। विनोद पांडे कर ले जाएंगे, और कौन कर पाएगा, हैंडरेज करिए। कितने सारे बच्चे यूनिट टेस्ट दे ले जाएंगे। ऑनलाइन यूनिट टेस्ट गूगल फॉर्म वाला पेज जैसे मैंने भेजा था, उस तरीके से अगर भेजो तो कितने लोग कर ले जाएंगे। विद्यांशु भी कर ले जाएंगे, अमर सोनीमा भी हैंडरेज कर रहे हैं, आदर्श प्रताप सिंह भी हैंडरेज कर रहे हैं, आदर्श वर्मा, आदर्श यादव बदलापुर, चलिए ठीक है, अभिनव पांडे, विशेष, विशेष ने हैंडरेज किया है, प्रज्वल ने हैंडरेज किया है, प्रज्वल भी कर ले जाएंगे, दैट मीन सार्थक भी कर ले जाएंगे। ओके, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी प्लीज। सर दे देंगे। क्या हुआ देवेश? सर हम भी करेंगे। चलिए ठीक है, आप तो ठीक है, जब मैं भेजूंगा तब आप नहीं कर पाएंगे। डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी। तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ। ये बताइए, जो पिछली बार टेस्ट था उसका गेम क्या, उसका मतलब क्या है? आप अपने पेरेंट्स से या अपने घर में किसी के हेल्प लिए थे, कोई आपको बताया? कितने लोग को उनके घर वालों ने किए थे? सभी लोग किए थे। देवेश बेटा, देवेश तिवारी, अपना फोन आप रख दीजिए एक जगह। फोन पास में रख करके बोलते हो, आप दूर से बोलोगे तो भी आवाज आएगी। फोन रख दीजिए, अब फोन मत उठाइएगा, फोन मत उठाइएगा, चाहे बोलना हो तो भी आप वैसे ही बोलिएगा, बिना बिना फोन उठाए। ऐसा ना हो कि आप फोन उठा करके बोले। तो सभी लोग अपनी मर्जी से किए थे? कितने लोग अपनी मर्जी से एग्जाम दिए थे, टेस्ट दिए थे, वो हैंड रेज करें। अपनी मर्जी से कितने लोग, चलो ठीक है, कई सारे बच्चे किए। ओके, डाउन योर हैंड्स, तो ठीक उसी तरीके से टेस्ट आप लोग का होगा, कल नहीं परसों होगा, ध्यान दीजिएगा, कल नहीं परसों आप लोग का टेस्ट होना है। परसों के पहले आपका, फिलहाल एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, आपका फाइनल चैप्टर किस तरह की क्वेश्चंस आएंगे। तो नाउ ओपन द बुक, ओपन द पेज नंबर 30 31, ओपन द पेज नंबर 31 इन द इन योर मैथ बुक। Page number 31. Nobody has to tell, just open. Nobody has to tell. Open Okay, and everybody have open, and now listen carefully. Listen carefully, beta. ध्यान से सुनिएगा. Vishesh, start your video, beta. Vishesh, you have put your video on hold. Start your video, Vishesh. Yes. Okay, on the page number 31, there is a chapter चाहिए। आपका question number 2 तक आपको complete करा दिया गया है। आप लोगों ने किया है कि नहीं? Ascending order और descending order किया है? Yes sir. Yes sir. इसको complete कर लिया है ना? Yes sir. Ascending order और descending order आप लोग समझते हैं क्या होता है? Yes sir. मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हूँ जरा बताइए। बोर्ड पे मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा है? सर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 5 5 9, इसके पहले मैंने लिख दिया था 12, फिर यहाँ पे लिख दिया था 15। ये 4 नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? द 4
कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं, टेल मी द नंबर। ओके नाउ आई विल बी आस्किंग, मुझे देखिए किसी को बोल के आंसर नहीं देना, जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपको बोल के आंसर नहीं देना, जो भी आंसर बोल के देगा मैं उसको बाहर कर दूंगा। आप को इशारे में आंसर देना है, बोल के जब आंसर देंगे तो बाकी बच्चे सुन के वही आंसर आपको बता, हम वही वो भी बताने लगेंगे। ऐसे में जो मैं जा रहा हूँ पूछने वो आपको इशारे में आंसर करना, इशारे में मतलब वन फिंगर या टू फिंगर, वन फिंगर या टू फिंगर, ठीक है। पूछू क्वेश्चन, ये वन टू थ्री फोर कौन सा है, वन टू थ्री फोर, इसके लिए वन फिंगर शो करेंगे, इसके लिए टू, इसके लिए थ्री, इसके लिए फोर, ठीक है। अगर किसी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, वन फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, अपने फिंगर से शो करिए। किसी को लगता है ये पहले लिखेंगे तो वो टू नंबर शो करे, किसी को लगता है ये शो करना है तो थ्री शो करे, किसी को लगता है ये, देन दे नीड टू शो द फोर फिंगर, किसी को लगता नहीं सबसे पहले ये लिखें तो वो वन फिंगर शो करे। शो योर फिंगर्स एवरीबॉडी, आई नीड आंसर दैट की असेंडिंग ऑर्डर में व्हिच नंबर शुड बिकम फर्स्ट, व्हिच नंबर शुड कम फर्स्ट, आई नीड आंसर फ्रॉम योर, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल। ओके सौरभ तनिष वेरी गुड, सौरभ तनिष करेक्ट, आदर्श यादव और जानीपुर जाओ करेक्ट, अभिनव पांडे यू आर ऑल्सो करेक्ट, दिव्यांशु इज ऑल्सो करेक्ट, अहम मिश्रा, अहम एंड महिमा, अहम फिंगर शो किया शायद, आपके दोनों आंसर, आप दोनों के आंसर गलत हैं। अमर एंड सनीमा यू बोथ बोथ यू आर, यू बोथ आर करेक्ट। देवेश तिवारी ने एक फिंगर शो किया है, आपका भी रॉन्ग है। आदर्श वर्मा ने टू फिंगर शो किया, दैट इज करेक्ट। सौम्या भी सही है, सार्थक ने कोई फिंगर ही नहीं शो किया है, नहीं दिखा रहा है बेटा। सार्थक हॉरिजॉन्टल व्यू में मोबाइल करिए, सार्थक एंड सौम्या करिए, रजोल इज ऑल्सो करेक्ट, दिव्यांशु इज ऑल्सो करेक्ट, अभिनव पांडे इज ऑल्सो करेक्ट, देवेश, दिवांश शर्मा इज इनकरेक्ट, दिवांश शर्मा का गलत है, आदर्श यादव मल्लापुर विशेष का, दिव्यांशु का सही है। बेटा डाउन टू हैंड एवरीबडी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आंसर करना है जिससे किसी को पता ना चले मेरे अलावा, ठीक है। क्या हुआ बेटा, आदर्श प्रताप सिंह यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा, मैं आपका नाम लेना भूल गया, सॉरी सॉरी। रौनक शुक्ला ने कोई आंसर नहीं दिया, आराध्या यादव इज ऑल्सो करेक्ट, आराध्या अहम महिमा दोनों सही है, चलिए ठीक है, फिंगर्स आपसे देखने लगे दो दो, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं या बिगेस्ट नंबर लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फोर, ये फिंगर है। अब फाइव के बाद कौन सा लिखे, फिंगर शो करिए, मैं वही नंबर लिखूंगा फाइव के बाद, आफ्टर फाइव वन फिंगर या थ्री फिंगर या फोर फिंगर, बिकॉज टू फिंगर वाला तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ओके और नंबर थ्री, फाइव के बाद आपका आपका कितना, कौन सा नंबर बचा, ट्वेल्व नाइन एंड फिफ्टीन बचा है, एंड ट्वेल्व नाइन फिफ्टीन में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, नाइन है, डाउनलोड फाइव भी लिख दिया, नाइन भी लिखा, आप क्या बचा हुआ है, ट्वेल्व एंड फिफ्टीन बचा है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर आप सभी को आता है, अगर असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तो कर ले जाएंगे सभी लोग। सर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों आते हैं, शांत होइए सभी लोग, अब शांत होइए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको करना, उसको ध्यान से सुनिए। पेज नंबर 31 से
आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आंसर आप कर ही चुके हैं, वो तो मैं चेक कर रहा था कि कहीं आप भूल तो नहीं गए। ध्यान से सुनिए, कई लोग के यहाँ से आवाज आ रही है, मैं क्लास से बाहर करूंगा, ध्यान रखिएगा, बहुत हो गया। आपका फोन इधर उधर ना हो, ध्यान से आप लोग अपने फोन में देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे चैप्टर चेक है, चैप्टर चेक रौनक शुक्ला के यहाँ से आवाज आ रही है, ये आपको चैप्टर चेक ये सभी को दिख रहा है, ये वाला चैप्टर चेक दिख रहा है कि नहीं? यस सर, सभी को दिख रहा है? पेज नंबर 31 पे है, पेज नंबर 31 पे ये पहला क्वेश्चन रीड करना है, पहला क्वेश्चन रीड करना है। विशेष जरा पढ़िए, विशेष अपना माइक ऑन करके पढ़िए। रौनक शुक्ला जी आप बात कर रहे हैं जो आप दौड़ रहे हैं? विशेष बेटा आप पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए विशेष। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आदर्श वर्मा भी आपको बात करूंगा, आवाज आ रही है। विशेष पढ़िए, बेटा आप लोग तो पढ़ते हैं, जो बच्चे नहीं बोलते उनसे भी बुलवाने का प्रयास करते हैं। विशेष को कई बार बोला हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो मैं अभी बाहर कर दूंगा। आपके पास बुक है या नहीं? क्यों विशेष, बुक आपके पास है या नहीं? विशेष मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है या नहीं बेटा? विशेष मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बुक आपके पास है या नहीं? अगर है तो फिर इसको पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, पेज नंबर 31 पे राइट द, आगे पढ़िए। चले ठीक है, ठीक है, कुछ पढ़ा है आपने, कुछ आवाज आई है, चले ठीक है। अहम बेटा आप ही पढ़िए, राइट द नंबर्स नेम ऑफ द चले ठीक है, राइट द नंबर्स नेम, ये नंबर्स नेम क्या होता है पता है आप सभी को? पता है नंबर्स नेम क्या होता है, नंबर्स नेम कैसे लिखा जाता है? कितने लोग को पता है नंबर्स नेम कैसे लिखा जाता है? पढ़ाया जा चुका है ना, नंबर्स नेम लिख ले जाएंगे यहाँ पे, कई सारे उसमें नंबर्स नेम लिखा जाए। तो इसी तरीके से आपको यूनिट टेस्ट में बोल दिया जाए कि व्हाट इज नंबर नेम ऑफ 73, तो 73 का नंबर नेम लिख ले जाएंगे। अच्छा चैट बॉक्स में रहने देना, मत लिखना बेटा, नहीं तो बड़ा लंबा लग जाएगा, 5 मिनट यही करवाते रहेंगे, समय खत्म हो जाएगा। तो 73 आपका पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है 73, तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 70, कौन बताएगा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 70? आराध्या यादव बताइए, आराध्या यादव व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 70? SEVENTY 70 73। आप बताइए बेटा, सौरभ सैनी आप बताइए, सर SEVENTY THREE। स्वर्णिमा जरा आप बताइए बेटा, क्या ये दोनों सही हैं या गलत? स्वर्णिमा माइक ऑन करके बताइए, दोनों ने जो आंसर बताया अभी 73 की जो स्पेलिंग बताई वो सही है या नहीं, आपने सुना कि नहीं? सही था या गलत था ये बताइए। भेजा है, दैट इज करेक्ट, गुड बेटा, वेरी गुड। इवन सार्थक इज ऑल्सो है सेंड द आंसर, वेरी गुड, सार्थक इज ऑल्सो करेक्ट। चले ठीक है, स्वर्णिमा बता आप बताइए, सार्थक आप बताइए, सार्थक बताइए,
लिख के भी भेजा जा रहा है, वेरी गुड। एस ई वी एन टी वाई 70 सी एच आर डबल थ्री, तो ऐसे तो नंबर में लिखते हैं, लिख ले जाएंगे सभी लोग। चलो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर में टू में क्या करना है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको या इसको या इसको क्या बोलते हैं, कौन बता सकता है? What we call these sign, इन सिग्नेचर, इन साइन को, इन चिन्हों को क्या बोलते हैं? लेकिन गलत था। अदर शैडो का फिलहाल ये भी लिखने की कोशिश की, बाद में ऐसे लगा दिए। अरे अभी अब आप लोग जो कुछ उस पर ध्यान दीजिए, इसको क्या, इसको कौन सा साइन बोलते हैं? जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसका माउथ ओपन है, इसको इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड सर लेस देन, सर लेस देन, क्या बोलते हैं? सर लेस देन, सर मोर देन। ध्यान से सुनिए सभी लोग, इसको लेस देन नहीं, सामने जब आप ये कब लगाएंगे, ये 10 और ये 8 रहे तब तो ये यूज करेंगे, तो 10 इज मोर देन, ये क्या है? मोर देन साइन है। अगर तीनों में तीनों किस तरह के साइन है? तीनों कंपैरिजन साइन है। किस तरह के साइन है सर? कंपैरिजन साइन। साइन क्या होता है? चिन्ह होता है, क्या होता है? कंपैरिजन साइन, कंपैरिजन साइन। एस आई वी एन में क्या है? ये किस तरह के साइंस हैं? ये है कंपैरिजन साइन, है जो कंपेयर करने वाले साइन है, कंपैरिजन साइन है, कंपेयर करने वाले साइन है, समझ आया? यस सर, सर। तो इन कंपैरिजन साइन का यूज करना आप लोग जानते हैं? यस सर। तो कंपैरिजन साइन वाले भी क्वेश्चंस आपको यूनिट टेस्ट में मिलेंगे, समझ में आया? यस सर। अमर महिमा बेटा, महिमा है, मैं आपको भी क्लास से बाहर कर दे रहा हूँ आज। हाँ, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आपके यहाँ से। आपके घर पे जब आवाज नहीं शांत होती तो आप पढ़ाई क्यों करते हो? आप मत पढ़ा करो या माइक बंद रखा करो। अभी मैंने माइक की ओर आपका बंद किया, आपकी बार अगर आवाज आई तो फिर समझ में अच्छा भाव नहीं होगा। आप लोग की आवाज नहीं आती, आपके घर वालों की आवाज आती है। अगर आपको बोलना होगा तो घर वालों को शांत कराना, तब माइक ऑन करना, नहीं तो मत माइक ऑन करना। इसको कंपैरिजन साइन बोलते हैं। तो इन कंपैरिजन साइन का यूज करके, यूज करना बताया गया है आप सभी को? यस सर। चलिए ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 56, ये लिखा 65, इसमें कौन सा साइन यूज होगा? इसके लिए वन फिंगर, इसके लिए टू फिंगर, इसके लिए थ्री फिंगर। वन फिंगर, टू फिंगर, थ्री फिंगर। आई नीड आंसर बाय योर फिंगर, शो मी योर आंसर। आपका क्या रिस्पॉन्स है बेटा? यहाँ पे लिखा है 56 एंड 65, इसके बीच में ये साइन लगाने हैं, कौन सा साइन लगेगा? अगर आपको लगता है ये वाला तो वन शो करिए, आपको लगता है ये टू फिंगर शो करिए, अगर आपको ये लगता है तो थ्री फिंगर शो करिए। आई नीड आंसर। ओके, आदर्श प्रताप सिंह टू फिंगर दिखा रहे हैं, वेरी गुड। सौरभ, अमन महिमा, अमर स्वर्णिमा, सौम्या, आदर्श यादव मन्नापुर, देवेश तिवारी, विशेष, देवांश, विनोद, दिव्यांशु, आराध्या, सही सही बता रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आदर्श वर्मा नहीं आंसर दे रहे हैं, रौनक शुक्ला टहल रहे हैं, रौनक शुक्ला टहल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ घर वालों को बताते हैं। तो टू फिंगर ये आपका 65, ये ज्यादा है ना, तो इधर ये मोर देन, ये लेस देन साइन लगेगा। 56 इज लेस या मोर? 56 इज लेस देन या मोर देन?
आप बताइए, आप 56 बोलेंगे सर, आपका तो कंपैरिजन साइन का यूज करते हुए सेकंड ऑप्शन, आपको जो चैप्टर चेक में आपको जो पढ़ाया गया था वही क्वेश्चन दोबारा है, तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये बताइए इसमें कितने, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? चले मैं आपको एक क्वेश्चन, एक नंबर यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा, कितना नंबर लिखा है मैंने, व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज 92, बट ये 92 आपका नंबर है, बट ये हाउ मेनी डिजिट आर से मिलकर बना है, हाउ मेनी डिजिट आर दे बेटा, टू डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, कौन कौन से डिजिट हैं? वो टू डिजिट कौन कौन से हैं सर? लोग दिक्कत कर रहे हैं, कई सारे बच्चे जो हैं माइक बंद किए हैं, वो दिक्कत आ रहा है, तो माइक ऑन करिए, ध्यानशु माइक ऑन करिए बेटा, विशेष आपके माइक ऑन करिए, आप लोग आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग भी बोला करिए जब मैं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कितने कौन कौन से डिजिट से ये 92 बना है, आप लोगों ने पूछा देयर आर टू डिजिट, चलिए ठीक है टू डिजिट है, लेकिन कौन कौन से टू डिजिट है वो डिजिट बताइए मुझे, कौन कौन से टू डिजिट बताइए, बेटा वंस टेंस आपका डिजिट है, वंस टेंस ये तो ऊपर लिखते हैं, ये तो प्लेस होता है, डिजिट किसको बोलते हैं, आप कभी इंग्लिश पढ़े हैं, इंग्लिश तो पढ़ते हैं, ये क्या है ए बी सी, आप ए बी सी डी से पढ़ते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये अब कई सारे बच्चे केवल बोल रहे हैं, अभी मान के क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं सभी लोग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान से बहुत हो गया, 5 मिनट अल्फाबेट, उसके बाद क्या जो भी इधर करना, अरे जैसे ये ए बी सी डी जैसे अक्षर होते हैं इंग्लिश में, कई सारे अक्षर हैं कि नहीं, यस सर, कई सारे लेटर जब एक साथ मिल जाते हैं, जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूं ए एन डी, ये ए एन डी एंड ये क्या है, ये शब्द है ना, यस सर, जैसे कई सारे लेटर से मिलकर के वर्ड बनते हैं, कई सारे अक्षर से मिलकर के शब्द बनते हैं, ठीक उसी तरह कई सारे डिजिट से मिलकर नंबर बनते हैं, जिसमें कितने अक्षर हैं, कितने लेटर हैं, एंड में कितने लेटर हैं, वन टू थ्री, कौन कौन से लेटर हैं, कौन कौन से लेटर हैं, ए एन एंड डी, ठीक इसी तरीके से आपका जो नंबर होता है वो डिजिट, ठीक उसी तरीके से कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया, या देखिए कितना बड़ा नंबर लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, अब मैं पूछूं इसमें कितने डिजिट हैं, ये डिजिट से तो बना है सर, 7 डिजिट, 7 डिजिट सर, 7, मान लीजिए एक डिजिट और, सेवन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, आप कोई बोलेगा नहीं, पहले मैं समझा रहा हूँ, जब मैं समझाऊंगा तब, जब तक मैं समझाऊंगा तब तक कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा,
ओके यस सर। जैसे आप इसमें हमने एक नंबर लिखा इतना बड़ा सा, अब इसमें मैं पूछूं कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एट डिजिट है। एक मैं जीरो और बढ़ा दूंगी, कितना बड़ा है? अब एक नंबर दूसरा बदल गया, अब कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी को बोलना नहीं है। क्या बोला था? जब तक मैं समझाऊं तब तक आपको समझना है, जब मैं पूछूंगा तब बताना। आपके बोलने के चक्कर में एक बार वंस प्लस वंस और टेंस बता रहे हैं। तो जो डिजिट तो ये हुआ 9 2 3 0 5, ये सारे डिजिट है ना? यखत भाई तुम तो 100 है, ये डिजिट है, वो प्लेस है, ठीक है? तो डिजिट आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट है। इसके बाद जब 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 से 10 या 10 के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो इन्हीं डिजिट का यूज करते हुए बनते हैं। 10 में कौन से डिजिट है? 1 एंड 0। 1 और 0 10 बना है, ठीक है? यस सर। यस सर। इसी तरीके से आपको मैं पूछूं कि डिजिट आपका कहाँ से? मान लीजिए अगर आप काउंटिंग शुरू करेंगे, काउंटिंग आप शुरू करें तो आप काउंटिंग आपको कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा ना? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद क्या आएगा? 11 फिर 12 फिर 13 ऐसे काउंटिंग पूरा करते हुए चले जाएंगे ना? यस सर। अब ये बताइए, ये जो काउंटिंग होते हैं ये डिजिट, इसको 1 से लेके 9 आपका डिजिट तो था ही, मैंने बताया था 0 भी डिजिट है, इसको नंबर्स भी बोलते हैं। तो मैं पूछूं कि 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? ये जो 12 है, 12 में कितने डिजिट है? 100। यहाँ पे क्या लिख गया? 100। तो 100 में कितने सारे डिजिट हैं? सर 3 डिजिट। तो 100 को क्या बोलेंगे हम? 3 डिजिट नंबर। क्या बोलेंगे? 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट वाला नंबर। 3 डिजिट। यस सर। इसको ये क्या लिखा हुआ है? 50। हाउ मेनी डिजिट नंबर आर देयर? हाउ मेनी डिजिट आर देयर? 2 डिजिट। तो व्हाट वी विल कॉल इट? वी विल कॉल इट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर ना? अच्छा ये बताइए, 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है या 1 डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट। ये बताइए, ये 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है? 2 डिजिट। 2 डिजिट। ये बताइए, 400। आप बताइए, ये 2 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट? 3 डिजिट। 3 डिजिट। अब मुझे आप बताइए, जब आपके काउंटिंग करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा आता है, जिसके सबसे कम आपको? जैसे ये आपने बताया, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी है, ये भी है, 15 भी है, ये सारे 2 डिजिट वाले नंबर है ना? तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? यस सर। 10। 10। 10 से भी कोई छोटा, 10 से भी कोई कम 2 डिजिट का नंबर हो सकता है? यस सर। 10 से कम कौन सा होगा? 10 से कम कोई सर? नो सर। 10 से कोई जान? तो ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई 2 डिजिट नंबर 10 से भी छोटा हो सकता है? नो सर।
नहीं सकता। चलिए ठीक है बेटा, आराध्या यादव आपका माइक बंद है, दिव्यांशु आपका माइक बंद है, माइक मत बंद किया करो बेटा, आराम से पढ़ाई किया करो, आप भी आंसर बताया करो। अच्छा ये बताओ, इन यहाँ पे मैंने नंबर ये 95 लिख दिया, इन पांचों में 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा सबसे बड़ा है? इन पांचों में 5 नंबर्स मैंने लिखे ना, 5 नंबर का दे। विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट, 2 डिजिट वाला कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है? सर 95। 95 इन पांचों में 95 टू डिजिट नंबर सबसे बड़ा है ना? लेकिन मैं अगर पूछूं 95 से भी बड़ा कोई 2 डिजिट नंबर है? इसको आप भूल जाइए। अगर मैं कहूं आप 2 डिजिट वाला नंबर आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है, आपको ऐसा नंबर बताना है जिसमें 2 डिजिट हो और उससे बड़ा कोई भी नंबर ही ना आए, बारी बारी से बताना है। कौन कौन बताला, कौन कौन बता ले जाएगा, हैंड रेज करिए। यू ऑल नीड टू टेल दैट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, सबसे बड़ा नंबर, 2 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर। रौनक शुक्ला आपको आता है? माइक ऑन करके बताइए। आराध्या यादव बताइए बेटा आप। 99। चलिए दिव्यांशु ने बताया 99, चलिए ठीक है। और आदर्श यादव और जानीपुर आप बताइए। टू डिजिट नंबर, हाँ 2 डिजिट नंबर बताने जो सबसे बड़ा हो, बताइए। 99। बताइए आदर्श यादव मल्लापुर। 99। आज सभी लोग ध्यान से सुनिए, अभी किसी ने बोला 88, तो क्या 88 से 89 ज्यादा नहीं है? यस सर, 88 भी है, तब कैसे 88 सबसे बड़ा नंबर हो गया? आपको ऐसा नंबर बताना होता है जिससे बड़ा कोई नंबर हो ही ना, 2 डिजिट का, उससे एक ज्यादा करें तो 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, तो दैट इज 99। 99 में सर 99 क्या होगा? 99 से 1 जाएगा, 100 आपका 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, दैट मींस कि 99 इज द बेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऑलराइट? यस सर। चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2। अच्छा आपको एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आपको सभी, आप सभी को ऐसा 2 डिजिट का नंबर बताना है, 2 डिजिट नंबर में एक में 1 होगा, एक में 10 होगा, एक डिजिट यहाँ ऐसे ही होगा। 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होगा, एक 10 की प्लेस में होगा ना? यस सर। आप मुझे ऐसा नंबर बताना है जिसमें 1 की प्लेस तो क्या है, 1 की प्लेस में 5 सर क्या? आप सभी को मुझे एक एक नंबर बताना है, सभी लोग अलग अलग नंबर बताएंगे। यू ऑल नीड टू टेल अ नंबर, 2 डिजिट नंबर बताना है, 2 डिजिट वाला ऐसा नंबर बताना है जिसके 1 की प्लेस में 5 आए, 5 एट 1 प्लेस। कौन कौन बताएगा? 15। ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। दीवान शर्मा सबसे जो हैंड रखी है उसी से पूछूंगा। दीवान शर्मा आप बताइए। देवांश बताइए बेटा, फिर से बताइए। फिफ्टी टू आप ऐसे लिखेंगे ना, तो 51 की प्लेस पे कहा, 1 की प्लेस पे 2 आ रहा है, 52 रॉन्ग है। मैंने बोला है ना आपको ऐसा 2 डिजिट का नंबर बताना है जहाँ पे 51 की प्लेस पे आए। चलिए ठीक है बेटा, दिव्यांशु आप बताइए।
25 5 आपका वन सी प्लेस पे आ रहा है, दैट इज गुड, जैसा बोला जाए वैसे करना है। अब आपको 75 आपको नेक्स्ट आपका मैंने क्वेश्चन दिया 7 वन सी प्लेस पे है, सौरभ सैनी आप बताइए, यू हैव टू टेल अ नंबर वेयर 7 शुड बी कमिंग ऑन द वन प्लेस। 27 7 आपका वन सी प्लेस पे आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पे 3 एट TENS टेंसलेस 3 एट टेंसलेस हैंड रेज करिए, तभी मैं पूछूंगा, जिनसे पूछ चुका हूँ उनसे दोबारा नहीं। सौरभ डाउन योर हैंड, नंबर वेट 3 एट टेंसलेस यहाँ पे अमर सॉरी आप बताइए बेटा। सर 39 ये टेंथ की प्लेस में 3 आना चाहिए, टेंथ की प्लेस में 3 आ रहा है, दैट मींस 39 इज करेक्ट। 37 हाँ ठीक है, 35